सो वेलकम टू द अनदर लर्निंग एपिसोड। आज इस वीडियो के अंदर आप सीखने वाले हैं कि आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस को किस तरीके से ट्रेड करना है। जब हम ब्रेकआउट ट्रेडिंग की बात करते हैं तो ब्रेकआउट ट्रेडिंग में कैसे पैसा बनता है, आज आप एग्जैक्टली सीखने वाले हैं घनश्याम सर के साथ। सो सर, हियर वी गो। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना ब्रेकआउट सिस्टम। कि ब्रेकआउट को कैसे हम फॉलो करते हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें हमें देखनी होती है, क्या क्या चीज़ें हमें अप्लाई करनी पड़ती हैं। सबसे पहली चीज़ तो एक बात मैं हर वीडियो में बताया हूँ, ये चीज़ है कि आप ट्रेंड को फॉलो करो जी। ट्रेंड की साइड में अगर आप 100 क्वांटिटी डेली कर रहे हो तो ट्रेंड की साइड में जा रहे हो तो 100 क्वांटिटी करो। ट्रेंड के अगेंस्ट अगर ब्रेकडाउन हो रहा तो 50 क्वांटिटी, ये ध्यान रखना। ये रूल को कहीं पे भी भूलना नहीं है, कभी भी नहीं भूलना है कभी भी। तो अब ब्रेकआउट के लिए क्या होता है ना, पहले तो हमें कोई रेंज चाहिए होती है छोटी सी कि मार्केट देखिए हर दिन क्या होता है, मार्केट ट्रेंडिंग तो रहेगा नहीं, या हर समय मार्केट ट्रेंडिंग रहता नहीं है। एक घंटे उसने ट्रेंडिंग दिया 200-300 पॉइंट, वो ऊपर गया नीचे गया, उसके बाद जाके वो कहीं ना कहीं साइडवेज हो जाता था। तो हमें क्या चाहिए, वो साइडवेज चाहिए। एक साइडवेज में ये होता है कि उस साइडवेज के अंदर में बहुत सारी पोजीशन बनती रहती है, उसमें बायर भी आएंगे सेलर भी आएंगे, दोनों इस होप से आएंगे कि बायर ये सोचेगा कि ये ऊपर की साइड में ब्रेकआउट करेगा तो मुझे अच्छा पैसा मिलेगा, सेलर ये सोच के उसमें ट्रेड लेगा कि शायद ये नीचे की साइड में ब्रेकडाउन करेगा तो मुझे अच्छा पैसा मिलेगा। लेकिन हमें ये सोचना नहीं है, हम ऑप्शन बायर है, क्योंकि अगर उसी साइड में वो पूरा खत्म कर दिया फिर क्या होगा, हमारा तो प्रीमियम गया। तो हमें ब्रेकआउट पे ट्रेड करना है। उस चीज को जब हम ब्रेकआउट करते हैं या ब्रेकडाउन करेगा मार्केट तब हम उसको ट्रेड करेंगे। तो चलिए पहले उसकी चीजों को समझ लेते हैं, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को कैसे हम फॉलो करते हैं। चार्ट टाइम फ्रेम आप 15 और 5 मिनट दोनों पे फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं है। हम 5 मिनट पे करते हैं तो ज्यादातर 5 मिनट में थोड़ा सा कैंडल ज्यादा दिखती है, तो वहां पे हम 5 मिनट पे फॉलो करते हैं। अब 5 मिनट पे ब्रेकआउट, देखिए फ्राइडे का सेशन ऐसा है ना कि जो सब चीजें मुझे वहां पे मिली, मुझे वहां पे फिबोनाची भी मिली, मुझे वहां पे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी मिला, मुझे वहां पे कैंडल भी मिली, मुझे वहां पे सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी ब्रेकआउट मिला। फ्राइडे का ट्रेंड ऐसा था, मतलब उस जगह पे सारी चीजें मिली फ्राइडे वाले। ये जनरली आपको लगातार मिलती हैं? हाँ, ये मिलती रहती है, ये चीजें होती नहीं, फ्राइडे की मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, मतलब इस फ्राइडे को ऐसा इस हुआ, फ्राइडे को ऐसा हुआ। हाँ, तो मैं यही आपके, मैंने मुझे लगा आपने पता नहीं इतने सालों में एक्सपीरियंस में देखा होगा कि फ्राइडे को मिल रहा है इतना सब कुछ। इस फ्राइडे को ऐसा मिला, हाँ इस फ्राइडे को ऐसा मिला कि अगर क्या हो रहा है कि मैं आपके ऑडियंस को बता रहा हूँ तो वो फ्राइडे वाले चार्ट पे जा रहा, क्योंकि वो लेटेस्ट चार्ट हमारे पास फ्राइडे का ही है और वहीं पे सारी चीजें हमें मिल जाए। हो सकता है इस वीडियो को लोग कई साल के बाद भी देख रहे हो, बिल्कुल। इट डजंट मैटर कि आप इसी चार्ट को देखो, आप कंसेप्ट को समझो, बिल्कुल। हाँ, कॉन्सेप्ट ये 2 साल के बाद के 20 साल के बाद भी यही चल रहा है, यही चलेगा वो। तो अब यहाँ पे देखिए दो चीज़ें ध्यान रखिएगा, पहले तो जब मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाता हूँ या सपोर्ट रेजिस्टेंस को फॉलो करता हूँ तो वहाँ पे पहले मैं चार्ट को जरा हटा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ कुछ पहले जी। सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि मार्केट मुझे एक रेंज में चाहिए होगा, राइट, ठीक है। अब रेंज का मतलब लोग ये निकाल के बैठते हैं ना कि ये जैसे मान लीजिए कि ये 41,800 है तो 41,800 ही पकड़ लेंगे, ऐसा नहीं होता। मार्केट एक रेंज बनाता है, अब ये हर बार 41,800 ही नहीं जाएगा, शायद ये 800 ना हो, ये हो 780 हो, राइट, ये शायद यहाँ पे जो गया ये हो 710 हो, सॉरी ये 810 हो, right। तो हमें कब फॉलो करना है, जब कम से कम मार्केट, अगर आप बिगनर हो तो ध्यान रखना कम से कम मार्केट 3 बार रेजिस्टेंस ले लें, ओके। उसके पहले आप देखो ही मत, आप सीख रहे हो तो पहले वहां पे जाओ जहां पे प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी जहां पे ज्यादा है वहां पे पहले उसको ट्रेड करो। जब आपने 100 ट्रेड, जैसे मैं बोलता हूँ ना 100 ट्रेड ले लो, अगर आपने 100 ट्रेड ले लिया तो आप 1 और 2 रेजिस्टेंस के बाद में भी आप फॉलो कर सकते हो। लेकिन आप बिगनर हो, पहले 3 को ही फॉलो करो। आप ये मत देखो कि यार 3 में बहुत टाइम लग जाएगा, शायद आज बनेगा या नहीं बनेगा, कोई बात नहीं, नहीं बना तो पैसा लेके थोड़ी मार्केट गया, पैसा आपके आपके ट्रेडिंग अकाउंट में है, जब ब्रेकआउट करेगा तब हम देखेंगे। तो यहाँ पे हमें 3 बार सपोर्ट चाहिए होगा, और उसी तरह से अगर हम रजिस्टेंस चाहिए, सॉरी 3 बार ये रजिस्टेंस चाहिए होगा, और उसी तरह से ये सपोर्ट बनता रहता है, तो सपोर्ट भी बनेगा। अब हो सकता है किसी केस में ये रजिस्टेंस बन रहा हो, सपोर्ट ना बन रहा हो, इस तरह की सिचुएशन बन रही हो, राइट, यहाँ पे गया मार्केट, यहाँ पे गया, फिर मार्केट यहाँ पे गया और वापस आके यहाँ पे गया, इस तरह की सिचुएशन बन सकती है। तो हमारे केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे मान लीजिए एक मार्केट रजिस्टेंस बना रहा, राइट, ये रजिस्टेंस बना रहा। अब यहाँ पे 2 तरीके से ट्रेडिंग होती है, या तो हमें ये देखना है यहाँ पे कि मार्केट जब भी इस जगह के पास में आता है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बोलते हैं कि सर मेरा ब्रेकआउट फेल हो गया, ब्रेकआउट फेल हो गया। ब्रेकआउट फेल क्यों होता है, ब्रेकआउट फेल होने के 2 चांस है, 2 कारण है यहाँ पे। पहली चीज तो ये यहाँ कहाँ से आ रहा है, अब मान लीजिए अब ये 41,100 से आ रहा, मान लेते हैं कि 41,100 से ये 41,100 से आ रहा है और यहाँ पे अपने रेजिस्टेंस के पास पहुंचते पहुंचते ये कहाँ पे पहुंच गया, 41,400 के पास में रेजिस्टेंस है, राइट। अब इसने कितनी दूरी तय कर ली, 300 पॉइंट की। अब बताइए अगर थोड़ा थक गया हमारा, हाँ, यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पे ये इसी फ्लो में ब्रेकआउट करेगा ना तो चांसेस बहुत
हाई है इसके कि आपका ब्रेकआउट फेल होगा, राइट, क्योंकि 300 पॉइंट चल के आ रहा भाई, जितने 300 पॉइंट की जर्नी देख ली वो प्रॉफिट बुक तो करेगा ना, और वो प्रॉफिट बुक ये जरूरी नहीं कि इस जगह के पास में आते आते बुक कर ले, उससे पहले बुक कर लेगा, उससे पहले भी बुक कर सकता है, या हो सकता है वो सोच रहा हो कि मोमेंटम चल रहा है तो चलने दो, जैसे वो आपकी वाली बात की कैंडल चेंज हुई तब मैं निकल जाऊंगा। हाँ, लेकिन आपको क्या लगा ब्रेकआउट हो गया, लेकिन ब्रेकआउट हुआ नहीं क्योंकि पहले से लोग पोजीशन लेके बैठे हुए हैं। तो इस कंडीशन को हमें ट्रेड नहीं करना है कभी भी। जब मार्केट एक बड़ी मतलब बड़े रन का मतलब ये हो गया, देखो बैंक निफ्टी ज्यादातर टाइम आप देखोगे तो 350 से 400 पॉइंट की रेंज रहती है, किसी दिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया 500-600 वो हर दिन नहीं होता है, यानी 22 ट्रेडिंग सेशन में से 15-16 ट्रेडिंग सेशन में मार्केट 400 से 500 पॉइंट या सॉरी 400 से 300-400 पॉइंट की रेंज में अप एंड डाउन करके क्लोज कर देगा। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी ये ब्रेकआउट अगर इसी कंडीशन को ये इसी फ्लो में ब्रेकआउट करके गया, हमने ट्रेड नहीं किया, इसको छोड़ दिया, हमें कोई मतलब नहीं उससे, अगर यहाँ पे आके ये रुक गया, बार बार उसे रेजिस्टेंस मिल रहा, हाँ अब यहाँ पे आके रुक गया, तो ये हमारे लिए सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी हो रही है कि अब जब ब्रेकआउट आएगा तब हम अब ब्रेकआउट होगा तो क्या होगा, जब यहाँ पे ये सिचुएशन बनती है ना तो ये आइडियल सिचुएशन है, लोग इस सिचुएशन के लिए वेट ही नहीं करते, उनको लगता है कि यहाँ से यहाँ तक की जर्नी मिस हो गई, आधा तो इसमें दिमाग उनका चलता है कि यार मैं यहाँ पे पकड़ता हूँ यहाँ पे निकलता तो अच्छा होता, या फिर इसी फ्लो में वो ब्रेकआउट कर देगा तो लोग यहाँ पे आके ट्रेड कर देंगे, और फिर जब ये रेंज इस जगह पे एक छोटी छोटी सी रेंज मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये 10 मिनट 20 मिनट या 25 मिनट आके रुक जाए, मतलब जिन्होंने यहाँ पे खरीदा है वो प्रॉफिट बुकिंग करने लगे, वो भी फ्री हो गए, हम वेट ही कर रहे थे, अब शायद जैसे ये ब्रेकआउट करेगा ना, जिन्होंने यहाँ से यहाँ तक की जर्नी देखी और प्रॉफिट बुक किया वो भी आ जाएंगे और हम भी आ जाएंगे, तो ये क्या करेगा, मार्केट यहाँ पे डबल फोर्स से चलेगा, यानी डबल फोर्स से ब्रेकआउट होगा। तो ब्रेकआउट को हमेशा तब ट्रेड करना चाहिए जब रेजिस्टेंस के पास में यहाँ पे कैंडल रुके, कंसोलिडेशन करे, कई बार ये आपको उसी फ्लो में निकल जाएगा और आपको ये महसूस कराएगा कि यार तुम ले लिए होते, ये कंसोलिडेशन ना देखो तो तुम ले लिए हो तो ज्यादा पैसा बना के, लेकिन वो चीजें 10 में से 3 बार या 4 बार ही होंगी, लेकिन 7 बार यहाँ से कंसोलिडेट करेगा तो आपका पैसा बनेगा, ये चीजें 3 बार होंगी और 7 बार फेल होंगी, ये चीजें यहाँ से 7 से 8 बार चलेंगी और 2 बार या 3 बार ही फेल होंगी। अच्छा, अगर रेजिस्टेंस से गिरना शुरू करता है तो क्या सपोर्ट तक का ट्रेड लेना चाहिए? इस समय अगर रेजिस्टेंस के पास गिरता है तो ये डर है रेजिस्टेंस पे कोई कैंडल बने वहां पे, अगर कैंडल शूटिंग स्टार बने तो आप कैंडल ट्रेड कर रहे हो, वहां पे कैंडल ट्रेड कर दूंगा फिर मैं, अगर शूटिंग स्टार आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड नहीं करोगे, मतलब आप उस रेंज को ट्रेड नहीं करोगे, मान लीजिए 300 पॉइंट की रेंज है, हाँ, तो रेजिस्टेंस से गिरना शुरू हुआ, कैंडल दिखेगी कोई ना कोई तो दिखेगी, चाहे वो एंगलफिंग दिखे चाहे शूटिंग स्टार दिखे, कुछ ना कुछ तो दिखेगा, अगर कोई कैंडल आपको बेरिश कैंडल दिख रही है तो आप ट्रेड करो, लेकिन बहुत जगह देखेंगे ना कुछ नहीं बना होगा, वो डायरेक्ट जाएगा और डायरेक्ट आएगा, तो डायरेक्ट को हम तो जज ही नहीं कर पाएंगे, हाँ। कैसे जज करेंगे भाई? नहीं, हम जज नहीं कर रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि वो रेजिस्टेंस से गिर रहा है, उसका नेक्स्ट टारगेट सपोर्ट है, हाँ। अगर मैंने यहीं से गिरना शुरू होता है, एक बड़ी कैंडल बनती है, हाँ। तो मेरा स्टॉप लॉस रेजिस्टेंस ही हो जाएगा, ओके, और मैं सपोर्ट को टारगेट लेके चल रहा हूँ, सपोर्ट के आसपास हम निकलने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ। तो ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं, ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए, मैं नहीं करता हूँ, मुझे वो सूट नहीं करता था। अच्छा, हाँ, ये सही है, हाँ, मुझे सूट, ये आंसर ठीक है, मतलब जस्टिफाइड है, हाँ, मुझे सूट नहीं करता, नहीं करना चाहिए, ऐसी कोई चीज मार्केट में नहीं है कि नहीं करना चाहिए, अगर आपको वो चीज आती है आप उसको ट्रेड करना जानते हो आप बिल्कुल करो, क्योंकि अगर आपने उसे 100-150 बार 200 बार बैक टेस्ट किया हुआ है तब करो, आपको समझ में आ जाएगा वो क्या करना है। अब मैंने वो किया नहीं है, मुझे क्या है, मैं इस जगह पे क्या वेट कर रहा हूं, मैं इस जगह पे ये वेट कर रहा हूं कि अगर ये इस जगह पे पहुंचे और यहां से ब्रेकआउट करे तो मैं तैयार बैठा हूं लेने के लिए, लेकिन गिरेगा तो हमने वैसे ही छोड़ रखा है। नहीं, अगर रेंज बना के देखिए, अगर वो 4-5 कैंडल बना के गिरता है तो फिर हमने क्या करना है, वो 50 क्वांटिटी आधी क्वांटिटी में वहां पर ट्रेड कर देनी है। नहीं, मैंने यही पूछा कि वो 50 क्वांटिटी आप ट्रेड करो अगर वो सपोर्ट का टारगेट लेके, हाँ, नहीं सपोर्ट क्योंकि अगर उसने 3 बार रेजिस्टेंस लिया तो 3 बार सपोर्ट भी लिया है, बिल्कुल लिया है, तो सपोर्ट भी हमें पता है कि वो आइडियली अगर वो वहां से गिरेगा तो वहां तक आएगा, हाँ। लेकिन ये जब 3-4 कैंडल बनाएगा तभी मैं देखूंगा, हाँ। 3-4 कैंडल के बाद वो 3-4 कैंडलों का जो ब्रेकडाउन होगा ना तब मैं देखूंगा, उसके पहले अगर वो डायरेक्ट गया सपोर्ट के पास में पहुंच गया रेजिस्टेंस के पास में पहुंच गया और वहां से डायरेक्ट रेड कैंडल बना के आ रहा, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं, हाँ, मुझे इंटरेस्ट इसमें है कि यहाँ पे ये रुके और इसको ब्रेकआउट करे, मेरा 70% होप ये है कि इस ब्रेकआउट को ये, आप सिर्फ ब्रेकआउट के लिए बैठे हो, आप सपोर्ट रेजिस्टेंस से भूल जाओ, रेंज में तो मैं घुस ही नहीं रहा, नहीं घुसा रेंज में, मुझे ऑप्शन में पैसा बनेगा नहीं, रेंज में पैसा बनेगा नहीं, नहीं मैं तो यहाँ पे क्योंकि एक एग्जांपल के लिए यहाँ पे 300 पॉइंट की रेंज थी, हाँ बिल्कुल, हाँ अभी हो सकता है ये 100 पॉइंट की, हाँ, वो तो नहीं होती हर वक्त 300 पॉइंट, ये तो एग्जांपल है, हाँ, तो हर बार क्या अगर हमने ये बोल दिया कि वहां पे घुसना है तो लोग 100 पॉइंट में भी घुसेंगे ऑप्शन बाय, तो ऑप्शन बाय में ऐसा बनेगा क्योंकि 100 पॉइंट बहुत स्लोली ट्रेड करेगा वो, मूवमेंट पूरे दिन वहीं पर अटक गया तो खत्म ही हो गया, खत्म ही हो गया वो हमारा प्रीमियम 20-25% ऐसे ही खा जाएगा दिन भर में, तो वहां पे नहीं, हमें ब्रेकआउट को ट्रेड करना चाहिए, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन। इसी तरह से क्या होगा, जब ब्रेकडाउन जब ऊपर से नीचे की साइड में भी जब आता है ना तो सेम कंडीशन अप्लाई करनी है सपोर्ट वाली, हाँ सपोर्ट वाले पे, जब सपोर्ट पे जा रहा है, जब रेजिस्टेंस से सपोर्ट पे आ रहा है तो सेम कंडीशन हमें यहाँ पर
भी अप्लाई करनी है कि जैसे यहाँ से ब्रेक करेगा तो हमें ट्रेड करना है क्वांटिटी। अगर बहुत दूर से आ रहा, मैं बार बार बोलता हूँ कि लोग ब्रेकआउट इसीलिए फेल होता है कि वो ब्रेकआउट उसी फ्लो में कर देता है, ब्रेकडाउन कर दिया या फिर ब्रेकआउट उसी फ्लो में किया, शांति से बैठे रहो। उसके लिए दूसरी चीजें हैं, मैं आगे बताऊंगा आगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है सर अगर उसने फ्लो में कर भी दिया ना तो वो वापस रिटेस्ट करने के लिए आ जाता है कभी कभी। हाँ, तो क्योंकि वो जाता है, वो लोग कहेंगे तो गया गया और मोमेंटम के साथ गया वॉल्यूम, बट वो जनरली रिटेस्ट करने के लिए आ जाता है। हाँ, मतलब 50% केसेस में तो आपको रिटेस्टिंग दिख जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल दिखेगा, और उसी रिटेस्ट जब वो ऊपर जाके नीचे आएगा ना, क्योंकि ये यहाँ से चलते हुए जा रहा है ना, तो ऑप्शन बाइंग का प्रीमियम उस रिट्रेसमेंट में बहुत तेजी से कम हो जाता है। हाँ, तो लोग क्या करते हैं वहां तक रुकते ही नहीं कि भाई वो सपोर्ट वहां पे आके सपोर्ट लेगा, उसके पहले भाग जाते हैं सब लोग। फिर लोग को लगता है यार मैं गलत निकल गया। गलत निकल नहीं गया, आप घुसे गलत थे। जब आप घुसे गलत हो, इंट्री आपने गलत ली है, तो आपको निकलना भी गलत ही है। निकलना सही कहाँ से बनेगा? जब इंट्री आप सही लोगे तो आपको एग्जिट आसानी से मिल जाएगी। यहाँ पे एग्जिट आसानी से नहीं मिलती है, आप इंतजार करो अपने सेटअप। देखो जो भी 2-4 सेटअप आपको आते हैं ना, वेट करना सीखो। हम वेट ही नहीं कर पाते हैं। ट्रेडर क्या करता, वेट ही नहीं करता। उसे लगता है कि नहीं यार छूट ना जाए, यार मैं तो देखते रह गया और मॉर्निंग वाली पहली कैंडल ही 600 पॉइंट की बन गई। अगर मैं यहाँ पे घुस जाता, 100 क्वांटिटी ले लेता, 600 पॉइंट गया तो प्रीमियम इसका 300 पॉइंट बढ़ गया। तो ये कैलकुलेशन दिमाग में चलने लगता है। अब वो कैलकुलेशन आपको कहीं भी घुसाते रहता है, शायद अभी बन जाए, शायद अभी बन जाए, तो वो होप में नहीं बनता है। एक परफेक्ट सेटअप पे फॉलो करोगे तो ही पैसा बनेगा, नहीं फॉलो कर रहे हो तो भूल जाना कि यहाँ पे पैसा बनेगा। सबसे जरूरी है डिसिप्लिन। आपने जो बनाया, देखिए ये सेटअप हमने अपने लिए बनाया, हमने अपने लिए बनाया, प्रॉफिट के लिए बनाया, और खुद ही हम फॉलो नहीं कर रहे तो बना के मतलब क्या हुआ? तो उसी तरह से आपका भी कोई सेटअप है, आपने कहीं पे देखा है तो उस पर 100-150 ट्रेड लोगे, तो उस पर आपने टाइम इन्वेस्टमेंट किया है। जब उस टाइम इन्वेस्टमेंट को किया है तो उसको रिजल्ट देखने के लिए आप अलग ट्रेड लो, उसी पे ट्रेड लो, अलग तरीके से। अगर कुछ देखना है उसमें, कुछ दिख रहा है आपको तो अलग तरीके से देखो। आपका कोई अपना सेटअप है तो उसको देखो, लेकिन 100-150 ट्रेड लेने के बाद उस पर बिलीव करो। जब तक आप अपने सेटअप पे बिलीव नहीं करोगे ना, वो सेटअप आपको पैसा नहीं देगा। तो सेटअप पे बिलीव करना बहुत जरूरी है। सर यहाँ पे एक सवाल और आता है कि जब हम बात करते हैं ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन ट्रेडिंग की, तो लोग वॉल्यूम देखकर ट्रेड करते हैं, तो आप वॉल्यूम देखते हो नहीं देखते? नहीं, इंडेक्स में हमें वॉल्यूम दिखते ही नहीं ना। अच्छा इंडेक्स ठीक है, मतलब आप फ्यूचर्स के चार्ट के साथ देख सकते हो कि उस टाइम पे क्या हुआ? नहीं, फिर वो कंफ्यूजन हो गया, फ्यूचर का चार्ट देखो इंडेक्स का चार्ट। इंडेक्स पे मेरा ऊपर गया ना, मेरा काम। आपका वॉल्यूम का कोई मतलब नहीं? मेरा वॉल्यूम से कोई मतलब नहीं, वॉल्यूम तो जनरेट हो जाता है। एक बार ब्रेकआउट होगा ना तो वॉल्यूम तो भर भर के आ जाते हैं। कहाँ से आ जाते हैं वो? फिर अब उस समय वॉल्यूम आ जाएगा तब तक वो 100 पॉइंट ऊपर चला जाएगा, तब तक हमारा ऑप्शन का काम खत्म हो जाएगा। राइट, नहीं हमें कुछ नहीं मिला। अगर इक्विटी हो तो शायद देखता हूँ मैं, इक्विटी अगर मैं ट्रेड करता उस जगह पे तो शायद मैं वॉल्यूम देखता कि वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन इंडेक्स में हमें वॉल्यूम नहीं दिखेगा। आप ब्रेकआउट के टाइम पे कंपोनेंट्स देखोगे कि चलो ब्रेकआउट आ रहा है, हाँ, तो एग्जांपल बैंक निफ्टी देख रहे हो, तो एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक क्या कर रहा है, वहां पर भी हो रहा है क्या ऐसा? जाहिर सी बात है अगर ये यहाँ पे कर रहा है ना तो वहाँ पे तो 90% कर ही रहे, कर ही रहे, तो वहां पे वॉल्यूम तो दिख जाएगा। कहाँ पे? एचडीएफसी बैंक? हाँ, नहीं उसके वॉल्यूम को नहीं देखूंगा मैं। आपको सिर्फ प्राइस से मतलब? प्राइस से मतलब, वॉल्यूम देखूंगा तो मैं खुद ही कंफ्यूज हो जाऊंगा यार, वॉल्यूम नहीं है मैं ट्रेड ना करूं। अच्छा, बिना वॉल्यूम के वो 100 पॉइंट निकल जाता है कभी। राइट राइट, तो मैं वहां पे देखो जितनी ज्यादा इसमें हम चीजें डालते जाएंगे ना, वो हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि अब मैं इसको भी देख लूं। वॉल्यूम देख लिया तो एक बार एक काम करता हूं, 20 का मूविंग एवरेज लगा के देखता हूं, शायद इसको सही बात कर रहा हूं। सही बात है। फिर अब क्या होगा, वो 20 का मूविंग एवरेज बोला कि नहीं 50 पॉइंट ऊपर जाएगा तब लेना। अब वो 50-50 पॉइंट आप मिस करते जा रहे हो। तो हमें तो जहां से प्राइस बना, जहां पे मुझे लगा कि नहीं यहां पे पैसा डाला है लोगों ने, हमें वहां पे डाल देना बस, उसी के फ्लो में जहां तक जाएगा रहेंगे। जैसे फ्लो ब्रेक हुआ, मोमेंटम ब्रेक हुआ, कहानी खत्म। हमें लालच नहीं करना ऑप्शन बाइंग में। देखो ऑप्शन बाइंग में पैसा उनका ही नहीं बनेगा जो लालची है। जो डिसिप्लिन ट्रेडर है, एक सही रिस्क मैनेजमेंट के साथ में आते हैं, तो ऑप्शन में पैसा बनेगा। बस लालच निकाल दो अपने दिमाग से, लेकिन छोटे छोटे अमाउंट को ट्रेड करो, छोटे छोटे प्रॉफिट एक बार गेन करो, और उसको जब ईयरली आप कैलकुलेट करके देखोगे ना कि अगर मैंने दिन का 5% भी निकाला या 2% निकाला या 6% निकाला, 10% कुछ भी निकाला, ईयरली कैलकुलेट करके देखो कि ये आपका पैसा कितना हो जाता है ईयरली, फिर आपको समझ में आएगा कि नहीं यार छोटे छोटे प्रॉफिट से ही बड़ा पैसा। ईयरली अगर 50% कमा लेना कोई तो वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडर हो गया। और ईयरली 50% की बात बोल रहे हैं, मैं तो बोलता हूँ कि अगर आपने ऑप्शन को सही तरीके से देखा ना तो आप मंथली 50% आराम से बना दोगे, उससे ज़्यादा ही बना लोगे। लेकिन अब बोलना नहीं, क्योंकि लोग बोलेंगे 50%, किसी की होप ही नहीं 50%। अगर किसी का बोलोगे कि मंथली 50% ऑप्शन में बनेगा तो बोला फिर क्या फायदा, फिर सेल ना कर ले हम, ऑप्शन बाइंग क्यों करें, ऐसे लोग बोलते हैं। नहीं सर मैं तो कह रहा हूँ अगर 50% बनेगा तो कोई और कोई काम ही नहीं करेगा। मतलब और किस बिजनेस में है सर? मैं अगर टिपिकल बिजनेस की बात करें, आज हम अपने फैमिलीज देखते हैं तो कितने परसेंट मार्जिन पे काम हो रहा है? 5%, 10%, 5%, 10% यही तो कंपनियां आप देख लो। मैं उसकी बात कर रहा हूँ, अगर कोई बंदा अपना माल लगा के बैठा है, बिजनेस कर रहा है, शोरूम खोल के बैठा है, किस मार्जिन पे काम कर रहा है वो? तो आप अगर हम 50% की बात करें तो मतलब लोगों को नहीं समझ आएगा। और मैं कहता हूँ उसकी होप भी मत करो, आप सिर्फ सेटअप के अकॉर्डिंग ट्रेड करो बस,
आप लॉस देते जाओ, प्रॉफिट लेते चले जाओ, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ठीक है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी ठीक है, ऐसा बनेगा बिल्कुल। देखो सब कुछ रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर, हम रिस्क ही नहीं मैनेज करते, रिस्क मैनेज, अगर रिस्क मैनेजमेंट की आप वीडियो बनाओगे ना तो उस वीडियो को शायद देखने वाले लोग 10,000 रहेंगे, राइट। आप किसी सेटअप या कुछ ऐसा बताओगे कि ये यूनिक स्ट्रैटेजी, हाँ 1000% रिटर्न देगा या 20,000% रिटर्न देगा, 20-20 लाख व्यू आएंगे, राइट। तो लोगों की साइकोलॉजी समझ में आ गई कि मतलब किसी को रिस्क मैनेजमेंट, लेकिन कितनी भी आप वीडियो देख लोगे ना, आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं करोगे तो मैंने पहले बताया कि एक भी सेटअप आपके काम का नहीं है, अगर आप डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते हो, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करते हो और मनी मैनेजमेंट फॉलो नहीं करते हो ना, तो कोई भी सेटअप आपके काम का नहीं है। कोई भी सेटअप मैंने बनाया है या मैं या किसी का भी कोई भी सेटअप आपके काम आने वाला नहीं है। सिर्फ पैसे से नहीं कि हमने, मेरे पास पैसा है तो सेटअप को यूज़ कर दूंगा तो पैसा बनेगा, ये सब सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ती है, ये उसका हिस्सा है, उस गेम का हिस्सा है। गेम में सारे रूल्स होते हैं ना, बिना रूल्स को फॉलो किए आप गेम जीत ही नहीं सकते हो। इसी तरह से इस गेम का ये हिस्सा है कि जब तक आप इसको फॉलो नहीं करोगे इस गेम में आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। अब सर एक बार चार्ट पे देखें, इसको चार्ट पे देखते हैं, अब जैसे इस चार्ट को हम देखते हैं जी, ये 5 मिनट का चार्ट हमने लगाया हुआ, मार्केट कंटिन्यू यहाँ से गिरता है, एक देखिए एक कैंडल यहाँ पे बनी है ऐसे, फिर मार्केट यहाँ पे बना है, प्राइजेक्शन बना रहा है, ये प्राइजेक्शन ही बनाते हुए आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे एक एक ही जगह के आसपास में ये कंटिन्यू रुक भी रहा है, ये रेजिस्टेंस बना रहा है, यहाँ पे बनाया फिर यहाँ पे गया। देखिए ये हर बार ना लोग ये समझते हैं रेजिस्टेंस बनाने का मतलब कि हर बार इसी को टच करें, ऐसा नहीं होता, वो जोन होता है, एक जोन होता है, वो 50 पॉइंट का जोन होगा, 30 पॉइंट का जोन होगा, 20 पॉइंट का जोन होगा, उस जोन को आप रेखांकित करो, मतलब उस जोन को आप हेडलाइन करो। आपको हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन की जगह रेक्टेंगल बनाना चाहिए कि एक वो रेक्टेंगल आपको रेंज दे देगा, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ वो रेंज आती है, तो वो रेंज आपको बनानी है, उस रेंज को समझना और उस रेंज के अपर एंड को आपको मान के चलना है कि ये हमारे लिए रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले मैं हटा दूँ, बहुत सारा हो गया यहाँ पे, जैसे मैं एक ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, एक यहाँ पे दिख जाएगा, और ये क्या जो मैं बोल रहा था 1, 2, 3 आपको 3 मिल गया, राइट। अगर ये इसी फ्लो में निकल जाए दूसरे में, अगर मान लीजिए मैंने जैसे बताया कि अगर आप बिगनर हो तो 3 बार के बाद ही फॉलो करो, अगर आप थोड़े से जैसे 100 ट्रेड ले चुके हो तो आप दूसरे में जैसे ब्रेकआउट करेगा आप ले सकते हो, इसके बाद अगर ये ब्रेकआउट करता तो आप ले सकते, लेकिन क्या आप यहाँ पे लोगे, अगर ये ब्रेकआउट करेगा तो आप लोगे नहीं, अभी तो आपने बोला कि वेट करेंगे हम कंसोलिडेशन का, बिल्कुल एज अ बिगनर, हाँ एज अ बिगनर क्या कर, नहीं एज अ बिगनर या एज अ प्रोफेशनल भी अगर आप हो तो, अगर तो हम तो क्या वहीं से नीचे से ट्रेड करते हुए आ रहे थे, हाँ ये क्या होता ना कि यहाँ से यहाँ, देखो मैं ये बता रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक की जर्नी तय करने के बाद प्रॉफिट बुकिंग आएगी, तो अगर आप इसको ट्रेड करोगे, इस जर्नी को ट्रेड ब्रेकआउट, इस जर्नी के बाद अगर ब्रेकआउट होता है ना तो ज्यादातर चांसेस होंगे कि वो एक बार रिट्रेस होकर फेल हो जाएगा आपका, तो आप यहाँ पे क्या होगा, आपको लगेगा नहीं ब्रेकआउट तो बेकार है, ब्रेकआउट हमें करना है, तो जब भी ऐसा मोमेंटम बने यानी मार्केट कंटिन्यू करके जा रहा है, आपको यहाँ पे पॉज कैंडल चाहिए ही चाहिए, राइट। आपको यहाँ पे 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट की एक कैंडल चाहिए चाहिए कि जो कैंडल रुक जाए और जो इन्होंने जिन्होंने बाइंग किया वो एक बार वो निकल जाए वो लोग, राइट, तो वो जो ऑब्जर्वेशन हो जाएगा वो निकल जाएगा उनका, फिर नए बायर यहाँ पे आएंगे कब, जब ये ब्रेकआउट करेगा, अब ये कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट, तो यहाँ पे मुझे डर नहीं लगता है, यहाँ पे मुझे डर नहीं लगेगा इस जगह पे, लेकिन अगर यहाँ से ये चल के यहाँ पे डायरेक्ट ब्रेकआउट कर दे रहा है मैं नहीं देखूंगा, मुझे देखने ही नहीं है, मुझे चाहिए कंसोलिडेशन, इस कंसोलिडेशन के बाद मुझे मालूम है कि जितने लोगों ने मिस किया होगा इस जर्नी को, ये जर्नी जितने लोगों ने मिस किया होगा वो लोग भी आ जाएंगे, और जो नए जो इंतजार कर रहे थे कि नहीं भाई मेरा सपोर्ट रेजिस्टेंस, बहुत सारे लोग होते हैं जो सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ही ट्रेड करते हैं, उसके ब्रेकआउट पे ही ट्रेड करते हैं, देखिए सबकी अपनी अपना 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 सेटअप है, बहुत सारे जो बड़े बड़े ट्रेडर होते हैं ना उनको 20 तरह की चीज़ें फॉलो नहीं करते, वो एक ही तरह की चीज़ें फॉलो करते हैं, कुछ भी उनका एक सेटअप होगा उसी सेटअप को फॉलो कर रहे हैं, बहुत सारे बड़े बड़े ट्रेडर होते हैं वो एक ही स्टॉक्स को ही फॉलो करते हैं, उसी स्टॉक्स में कंटिन्यू वो 2-2 साल 3-3 साल 4-4 साल ट्रेड करते रहते हैं, तो उसी तरीके से आपको भी फॉलो करना पड़ेगा, कुछ कुछ एक सेटअप होगा, 2 सेटअप होगा जो आपको फॉलो करना है, तो यहाँ पे जैसे इसका ब्रेकआउट होगा हम इसको ट्रेड करेंगे, और इसका SL हमेशा ना स्विंग लो लगाते हैं, SL क्या होगा स्विंग लो, लास्ट स्विंग, हाँ स्विंग लो जो होगा ये हमारे लिए इसका स्विंग लो है, और ये चीज़ें एक चीज और ध्यान रखना, जब भी ब्रेकआउट होगा ना तो ब्रेकआउट होता है ना तो अगर इस लो से ऊपर ही बन रहा तो ज्यादा बेस्ट है, अगर ये इस लो को आके टेस्ट करने के बाद फिर से जा रहा और यहाँ पे फिर से जाके यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है ना तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए, फिर लो को ब्रेक नहीं करना चाहिए तो ज्यादा चाहिए, क्योंकि बायर बने हुए हैं, राइट, लो को ब्रेक नहीं कर रहा मतलब बायर बने हुए हैं, वो ट्रेंड कंटिन्यू है ना सर, हाँ ये ट्रेंड कंटिन्यू चल रहा है, जैसे अब ट्रेंड कंटिन्यू है, यहाँ पे पॉज कैंडल बनी, ब्रेकआउट आया, फिर से ऊपर की तरफ निकल गए, अब यहाँ पे कई चीजें हैं, एक तो नीचे से ट्रेंड लाइन है,
ठीक है, एक असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न बनेगा। आप चार्ट पैटर्न्स वगैरह देखते हो सर? नहीं उतना ध्यान, चार्ट पैटर्न में क्या वो भी ब्रेकआउट ही होता है। मैं हाँ वो ब्रेकआउट ही होता है, ब्रेक वो ठीक है, वही आपसे लोग पैटर्न बोल देते हैं, हेड एंड शोल्डर हो गया, डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम, डबल बॉटम। देखो अब दो चीजें, ये बहुत सारी चीजें थे कंफ्यूजन क्रिएट करने से अच्छा मतलब लोग सिंपल चीज है। देखो अब ये चीजें, अब ये यहाँ पे बन गई असेंडिंग ट्रायंगल, ठीक है। अब क्या होगा, कुछ चीजें यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये क्या बन गया, ठीक है, कब बन गया, बन गया है क्या, है क्या वो ब्रेकआउट, ठीक है। अब उसी तरह से क्या होगा, ट्रिपल टॉप बनेगी, हो गया राइट, है क्या ब्रेकआउट, ब्रेकआउट किया तो वो सब पैटर्न, पैटर्न निकालने से ये पैटर्न कब काम करेगा, जब हम डेली चार्ट पर ट्रेड करते हैं ना, स्विंग ट्रेडिंग के लिए आते हैं ना, तो वो टारगेट निकालने में आसान होता है। हम इंट्राडे कर रहे हैं, 5 मिनट में कर रहे हैं, ब्रेकआउट हुआ, मोमेंटम गया, बाहर आ गया। ये पैटर्न जैसे स्टॉक में हम कर रहे हैं तो वहां पे काम आएगा। आप कह रहे हो टारगेट निकालने के लिए, टारगेट निकालने जैसे अगर आप इसे कप एंड हैंडल बोलोगे तो आपने वो कप की जो हाइट है उसे टारगेट ले लिया, टारगेट ले लिया, लेकिन कप विथ हैंडल पैटर्न हम फॉलो ही तब करते हैं जब 6 से 8 मंथ हो जाते हैं, राइट। वो तो स्टॉक्स में करते हैं सर, लॉन्ग टर्म है वो तो। नहीं नहीं उसका बेसिक रूल ही फॉलो करने का, हाँ, वो हम उसे लाके यहाँ पे 2-2 मिनट में फॉलो करने, हाँ, लगे तो कपर हैंडल बन गया, हाँ, तो वो अलग बात हो गई, बट ट्रेंड अच्छा चलता है, हाँ, ट्रेंड चलता है वो, वो ब्रेकआउट है ना सीधा, ब्रेकआउट सीधा, ब्रेकआउट ध्यान में रखेंगे, बाकी कुछ छोड़ देंगे सारी चीज, क्या बन रहा वो पैसा नहीं देगा, ब्रेकआउट हो गया ट्रेड किया तो पैसा दे देगा, कप विथ हैंडल बने या फिर डायरेक्ट ग्लास बन के ऊपर निकल जाए फिर हम ले लेंगे, बस छोड़ दो उसको, ठीक है सर। और एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ पे आपको सेल साइड में दिखेगा, कल का और आज के ट्रेंड में क्या फर्क है, अब यहाँ पे आपको ये सेल साइड में दिख रहा है, राइट। अब दो चीज सपोर्ट दिख रहा है, हाँ ये आपको यहाँ पे हमारे लिए सपोर्ट है, राइट, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मैंने क्या बताया कि आप कब देखो, कितनी बार हो जाए, तो 3 बार, ये 1 पहला हो गया और ये दूसरा हो गया, दूसरे के बाद इसने ब्रेक कर दिया, राइट, तो हमें इसको फॉलो नहीं करना, एज अ बिगिनर आपको फॉलो नहीं करना है। अगर आप शॉर्ट ट्रेड ले चुके हो, आप यहाँ पे रिस्क ले सकते हो, लो पिछला लो हमारा जो पिछला हाई जो बनेगा यहाँ पे हमारा एसएल, स्विंग हाई जो, हाँ, जो स्विंग हाई जो भी है वो हमारा यहाँ पे एसएल बनेगा, हम परफेक्ट फॉलो करेंगे, तो परफेक्ट चार्ट पे चलते हैं जो आपको अभी करना है पहले, राइट। ये एक्सपीरियंस के बाद ना बहुत दिन तो ऐसे होते हैं हम चार्ट देखते भी नहीं है, राइट, दिमाग में वो लेवल चलते रहते हैं, डायरेक्ट बाइंग कर लेते हैं, वो एक्सपीरियंस के साथ में वो सारी चीजें आपके साथ में आती जाएंगी, बस थोड़ा सा टाइम दो आप लोग, टाइम नहीं देना चाहते हो, बिना टाइम के आप लोग पैसे बनाना चाहते हो तो वो चीजें फॉलो करना थोड़ा सा मुश्किल है कि बिना टाइम के पैसे यहाँ पे बन जाए आपके, राइट, ये जो नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे है फर्स्ट, यहाँ पे सेकेंड और यहाँ पे थर्ड, दो चीजें हैं यहाँ पे, ज्यादा ध्यान से देखेंगे आप तो, तीसरा यहाँ पे सपोर्ट भी ले रहा है ये, यानी दोनों पैटर्न सपोर्ट भी बन रहा है, रेजिस्टेंस भी बन रहा है, कभी कभी क्या होता है जैसे यहाँ पे क्या बन रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस बना रहा है, राइट, सपोर्ट यहाँ पे नहीं बना रहा, दो बार ही बना, तीसरी बार में ये नीचे आ गया, तो हमें इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि दूसरी बार में आपको अभी शुरुआत में नहीं करना है, इसी तरह से ये फेल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, 1, 2, 3 बार यहाँ पे आया, राइट, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये सपोर्ट को, मार्केट का ट्रेंड, ओवरऑल ट्रेंड आज का क्या दिखा रहा है, कल से तो अच्छा किस साइड में रहेगा, ये अप साइड में, तो ये हमेशा दिमाग में रखना है, लोग सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस या सिर्फ सेटअप बना के फॉलो करते हैं तो वो पैसा काम नहीं करता है, पैसा ये काम करेगा यहाँ पे कि ये ऊपर की साइड में वापस तीसरी बार जाने के बाद में ये वापस ऊपर की साइड में ब्रेक कर रहा है, अब टाइम भी 1:30 बज रहा है, लेकिन ये भी ज़्यादा दूर तक गया नहीं है, लेकिन क्या हो रहा है फिर से वापस, क्या आप देखना है आपको, ये थोड़ी सी ध्यान रखनी है ये कि अगर निकल रहा है तो अगला रेजिस्टेंस भी कहाँ पे हमें दिखना चाहिए, अगला रेजिस्टेंस भी हमें दिखते रहना चाहिए। होता क्या है ना, जैसे मैं जैसे कल मैंने बता रहा था आपको कि क्लोजिंग हाई और लो, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर है ना तो आपके दिमाग में ये बिल्कुल फिक्स होनी चाहिए कि आज का हाई भी हमारे लिए रेजिस्टेंस है और कल वाला हाई, अगर हम कल वाले हाई और कल वाले लो क्लोज के बीच में ट्रेड कर रहे हैं तो कल वाला हाई हमारे लिए रेजिस्टेंस है और कल वाला क्लोज हमारे लिए सपोर्ट है, ये आपके दिमाग में रहनी चाहिए, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस पे बनाने में नहीं, ये साइकोलॉजिकल चलता रहेगा, क्योंकि कल की क्लोजिंग अपने आप में सपोर्ट रेजिस्टेंस है, हम उसके ऊपर हैं तो वो सपोर्ट है, उसके नीचे है तो वो ऑटोमेटिक रेजिस्टेंस है, और ठीक उसी तरह से आज का हाई भी हमारे लिए क्या है, रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे अगर आपको ट्रेड लेना है ना तो पहले आपको ये दिखना चाहिए कि भाई टारगेट हमें पहला यही दिखेगा, निकाला तो ठीक है, नहीं तो यहाँ से तो ये घूमेगा। बट सर ये जो कैंडल बनी है, इसे एक बार हटाइए आप सारी ड्रॉइंग को, हाँ। सवाल ये आ सकता है कि ये जो कैंडल बनी ये टॉप पर जाके जब उस टाइम पे
मार्केट चल रही होगी, एक आपको कैंडल दिखती है जो रेड कैंडल है, बिल्कुल, तो उसमें पर्सन क्या करेगा? उसने ब्रेकआउट तो ट्रेड मारा, उसके बाद उसे लगेगा डर, कौन सी कैंडल? ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल, ये ना, ये घबराएगी ना, ये वाली कैंडल, हाँ। नहीं तो हम एसएल लगा के रखेंगे, इसीलिए तो एसएल किसी लगाते हैं, इसीलिए लगाते हैं। बट अगर आपको एक इसका थोड़ा सा अगर बॉडी और कम होती तो ये परफेक्ट शूटिंग स्टार है, हाँ, तो फिर क्या उस टाइम पे मतलब आप क्या करते हैं? आप तो शूटिंग स्टार को भी ट्रेड करते हो। अब शूटिंग स्टार अगर पिछले वाले लो के नीचे वो ट्रेड करता है तो ट्रेड करेंगे, अगर छोटी छोटी कैंडल है तो पिछले लो के नीचे ट्रेड करें, नहीं तो बहुत अच्छा ट्रेंड गया इस ट्रेंड में। आप एक ही ध्यान देखो, प्रॉफिट बुकिंग चलते हुए जहां पे जाती है ना, हाँ, तो वहां पे वो मोमेंटम शूटिंग स्टार या हैमर नहीं देगा। जब वो एक फ्लो, जैसे ये कैसे दिख रहा है आपको, ये वन वे जा रहा है, right. तो यहाँ पे अगर शूटिंग स्टार बनेगी ना तो प्रॉफिट बुकिंग तुरंत आएगी आपके साथ में। लेकिन ये क्या हो रहा है, यहाँ पे किसी के पास पोजिशन होगी तब तो बुक करेगा ना, अब यहाँ पे तो किसी के पास पोजिशन है ही नहीं ना, अभी पोजिशन है ही नहीं तो वो शूटिंग स्टार उतना वर्क नहीं करेगी। तो शूटिंग स्टार के लिए एक फ्लो ट्रेंड मोमेंटम चाहिए होता है, मोमेंटम के साथ में वो 150-200 पॉइंट ऊपर की तरफ जाए। क्योंकि जनरली लोग क्या करते हैं, वो शूटिंग स्टार है, नेक्स्ट कैंडल ने उसका लो ब्रेक कर दिया, बिल्कुल, तो वो एंट्री मार लेंगे। प्रीवियस लो को ब्रेक करना चाहिए हमेशा, ध्यान रखिएगा। शूटिंग स्टार अगर हम ट्रेड कर रहे हैं ना, हाँ, अगर शूटिंग स्टार एक रेंज में है, छोटी है, तो प्रीवियस लो को ध्यान में रखना कि प्रीवियस लो के नीचे ही ट्रेड करें। प्रीवियस लो मतलब फिर, हाँ, फिर हम कैंडल ट्रेड नहीं कर रहे ना सर, अगर हम सिर्फ कैंडल ट्रेड करेंगे, हाँ, हम क्या देखेंगे, शूटिंग स्टार बना, हाँ, शूटिंग स्टार के बाद एक और कैंडल बनी, हाँ, उसने शूटिंग स्टार के लो को ब्रेक किया, हाँ, तो लोगों ने सिर्फ शूटिंग स्टार को ट्रेड किया, शूटिंग स्टार के हाई को एसएल लेकर, हाँ, और शूटिंग स्टार के लो के बाद जो नेक्स्ट कैंडल है उसमें एंट्री मार दी, हाँ, तो वो अगली कुछ कैंडल में ब्रेक हो गया, बिल्कुल, ऐसे लेट हो गया अगर शूटिंग स्टार किया, बिल्कुल। बट आप कह रहे हो कि नहीं, मैं वो देख ही नहीं रहा, हाँ, मैं सिर्फ और सिर्फ देख रहा हूँ कि ब्रेकआउट हुआ। देखिए मैं बताया ना कि शूटिंग स्टार या फिर कोई भी हैमर कैंडल, दो कैंडल फॉलो करते हैं उसको, हम तब फॉलो करते, ज्यादातर वो बेस्ट तब होगी, आइडियल तब होगी जब वो फ्लो में जाता है, यानी एक ट्रेंड होते हुए आया है, ये ट्रेंड के साथ में। कहने का मतलब मेरे ये है कि हम मानते हैं कि यहाँ पे शूटिंग स्टार बन गई, राइट, ठीक है, यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल बन गई, लेकिन शूटिंग स्टार में प्रॉफिट बुक, देखिए शूटिंग स्टार क्या हो रहा है कि इस ट्रेंड को रिवर्स करने के लिए, राइट, ठीक है, तो रिवर्स करने के लिए यहाँ पे हमें पोजिशन बनेगी, तो ये लोग पहले प्रॉफिट बुक करेंगे, सिंपल सी बात है, राइट, ये प्रॉफिट बुक करेंगे और फिर नए सेलर यहाँ पे एक्टिव होंगे, लेकिन पहले पास पोजीशन है ही नहीं ना, क्योंकि मार्केट तो सारा दिन इसी रेंज में घूम गया, राइट, तो पोजीशन किसी के पास है नहीं ना प्रॉफिट बुक करने के लिए, तुम्हारे पास पोजीशन होनी चाहिए, हम अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड करें तो हमारे पास पोजीशन होनी चाहिए यहाँ पे। अब इस फ्लो में अगर अच्छा जाएगा तो हम ट्रेड करेंगे, यहाँ पे अगर शूटिंग स्टार आपको मिली तो बहुत सारी पोजीशन है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे शूटिंग स्टार बनेगा तो ये पोजीशन का प्रॉफिट बुकिंग होगी, और हम जो नए सेलर एक्टिव होंगे तो इसको फोर्सफुली नीचे की साइड में लेके आएंगे, डबल फोर्स लगा, हम आपके पास पहले से पोजीशन है, मैं नए पोजीशन बना के आपके स्क्वायर है, मैं खरीदने के लिए आ गया, फोर्स लगा, यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ एक बैठा है, सिर्फ सेल करने वाला, पोजीशन तो है ही नहीं किसी के पास ना, हमने सेल करने के लिए तो मैं बैठा हूँ कि शूटिंग स्टार देख के मैं ट्रेड करूंगा, तो उस कैंडल को मैं ट्रेड तो कर दिया, लेकिन पीछे जो बैकअप हमें आना चाहिए तो बैकअप यहाँ पे हमें मिले ही नहीं, राइट, सपोर्ट मिले ही नहीं कि भाई दूसरे लोग आके यहाँ पे सेल करेंगे, प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, पर आप करेंगे। अच्छी रैली के बाद मिलेगा तो मजा आएगा, तो मजा आएगा, क्योंकि और एक अच्छी रैली के बाद आपको हैमर मिलेगा तो मजा आएगा कभी भी, या फिर पहली कैंडल मिल जाए गैप अप या गैप डाउन में, पहली 5 मिनट की कैंडल अगर गैप अप में मिल गई आपको, 300-400 पॉइंट बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो गया, शूटिंग स्टार बना दिया, फिर मैं कुछ नहीं देखूंगा, उसे शूटिंग स्टार के नीचे ही सेल कर दूंगा, वही मैं समझना चाह रहा हूँ, वो उस सिचुएशन में जब मार्केट चालू हो चुका है तो एक रैली होनी चाहिए, अपसाइड या डाउनसाइड उसके बाद बनेगा ना तो काम करेगा, राइट। सो आई होप आप लोगों को ये जो कॉन्सेप्ट है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और ब्रेकआउट ट्रेडिंग किस तरीके से, काफी क्लियरली समझ आ रहा होगा, एक्सपीरियंस आपको मिल रहा है। एक चीज और यहाँ पे घनश्याम सर, आप जो बता रहे थे इनफैक्ट पहले भी, कि जो मार्केट गिरना शुरू हुई वो देखिए 42,000 के आसपास पहुंच गई, तो यहाँ पर आपने जनरली क्या देखा है कि जब वो 1,000 के फिगर्स के आसपास होती है तो क्या होता है? कल के मैंने पहले लोगों को यही बताया कि अगर आप पूरी वीडियो नहीं देख रहे तो चीजें समझ नहीं पाओगे, हमने लास्ट किसी वीडियो में ये डिस्कस कर दिया था, right. हमने ये बताया हुआ था कि कभी भी मार्केट जब राउंड फिगर के आसपास में पहुंचे 42,000, 43,000, 41,500, 500 वाला और 1,000 वाले राउंड फिगर के आसपास पहुंचे, तो पहली बात जैसे वो 930, 940 के आसपास अगर पहुंचा है तो वहां पे आपको कभी भी नई पोजीशन मत बनाओ, अलर्ट हो जाओ कि जो बनी है उसको निकालने की सोचो, वहां पे नई घुसने की मत सोचो, वो नई घुसने की आप तभी सोचो जब उस रेंज में यानी 950 और जो आगे वाला राउंड फिगर है उसके बीच में उसने 15-20 मिनट का टाइम बिता लिया है ना, फिर जैसे वो ऊपर वाली रेंज को क्रॉस करेगा ना फिर आपका पैसा बनेगा, लेकिन इस बीच में लोग क्या करते हैं कहीं भी घुसते रहते हैं, अरे कुछ नहीं सेटअप बन गया घुस जा, भाई सेटअप के साथ में ये भी ध्यान रखना है कि वो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास ऑपरेटर बैठा हुआ वहां पे, जहां पे बड़े लोग बैठे हैं, जहां पे बड़े लोग आपके साथ खेलने वाले हैं, क्योंकि वो एकदम से आगे जाएगा, अच्छा 42,000 को क्रॉस करोगे, आओ आओ तुम खरीदो माल यहाँ पे खरीदो, और फिर वो एक बड़ी कैंडल बना देगा, दो मिनट लगते हैं, दो मिनट में 100 पॉइंट की कैंडल बनेगी, 100 पॉइंट में मतलब ऑप्शन पेयर
खत्म। हाँ 100 पॉइंट में ऑप्शन बाहर गया। अरे यार इतना सारे दिन में बैठ के 20 पॉइंट नहीं मिले, 2 मिनट में यहाँ पे 70 पॉइंट हमने गवा दिए। तो ये चीज ध्यान रखना है, कभी भी बड़ा राउंड फिगर यानी जो 1000 का और 500 का राउंड फिगर होता है वहां पे आपको अलर्ट होकर बैठना है, देखते रहना है वहां पे कि हम उसके जितने पास पहुंच रहे हैं मोमेंटम वहां पे जैसे ही ब्रेक हो आप वहां पे सोच विचार मत करो, जो भी प्रॉफिट है उसको लेके भाग जाओ वहां से। अगर ऑप्शन बायर बनना है ना तो चोर बनना पड़ेगा, जो दिख रहा है पहले लेके भाग जाओ। सबके घर का सब कुछ लेके नहीं जा सकते, जो छोटी चीजें मिली उसको लेके भागो, आप ऑप्शन बायर बन जाओगे। यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगा इसका रीजन क्या होता है, ये 42,000 के बाद सेलिंग जैसे आ सकती है। देखो अगर अभी तो आप बायर की तरह सोच रहे हो, अगर आप सेलर की तरह सोचो, सेलर ने हजारों करोड़ रुपए लगा रखा है, बिल्कुल आप क्या कर रहे हो, आपने 10,000, 20,000, 30,000 लगाया, आपके हम कह रहे करोड़ों लोग हैं, और ऑप्शन बायर अकेला 10,000 क्वांटिटी से ट्रेड कर रहा है, सॉरी मैं कह रहा हूँ 10,000 करोड़ से ट्रेड कर रहा है। अब आप ये समझिए, उसने मान लीजिए 42,000 का यहाँ पे कॉल ऑप्शन बेचा हुआ है, कॉल ऑप्शन बेचा है, आपने कॉल ऑप्शन खरीद लिया 42,000 का, बिल्कुल आपको लगा नहीं नहीं ऊपर जा रही है, ये तो ट्रेंड है फलाना दिमाग का जो मर्जी, मैंने तो 42,000 का कॉल ऑप्शन खरीद लिया। आपने जैसे 42,000 का कॉल ऑप्शन खरीदा, आपका फायदा कब होगा, जब एक्सपायरी से पहले, या मतलब आपका 42,000 से ऊपर जाएगा सीधी बात, बिल्कुल। और सेलर क्या कहता है, भाई अगर 42,000 से ऊपर गया ना उसकी लंका लग जाएगी, तुम्हारे को तो 10,000 पे 5,000, 2,000, 5,000 जो भी मिलेगा मिल जाएगा। उसका 10,000 करोड़ पे अगर उसका 500 करोड़ का भी नुकसान हो गया ना, उससे झेला नहीं जाएगा। और आपको लग रहा है कि आप मार्केट में आके कुछ कर रहे हो, जो ऑपरेटर है उसके पास ये बैंक निफ्टी किससे मूव हो रहा है, HDFC बैंक, ICICI बैंक, उसके पास पहले क्वांटिटी है, उसके पास 10,000 करोड़ का स्टॉक ही पड़ा हुआ है, वो क्या करेगा, अच्छा मुझे गिराना है, हाँ भाई HDFC उठा लो, नहीं गिरा दो, हाँ बेच दे 2,000 करोड़ का HDFC बेच दे, अभी बेच दे भाई कल खरीद लेंगे कोई बात नहीं, उसने गिराया नहीं और यहाँ पे रेड कैंडल्स बनी नहीं, चलो चालू हो गए, तो वो इंडेक्स को मूव कर देगा स्टॉक की वजह से, स्टॉक की वजह से मूव होता है। और जब उसे लगेगा ना कि भाई मुझे खरीदवाना है, तो उसने जब बेचा हुआ था पैसा पड़ा हुआ है वो है खरीद, आपको समझ भी नहीं आएगा मूव आ कहां से रहा है, तो वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आप किसी राउंड फिगर्स के आसपास जाओगे तो राउंड फिगर पे सेलर बैठा ही हुआ है, तो आपको वो अलर्ट रहना है वहां पे, वो अपनी बड़ी पोजीशंस बना के बैठा हुआ है, और वहां पे अगर उनके साथ कहीं हम हो लिए तो मजा ही आ जाता है। तो ये सब चीजें देखिए एक्सपीरियंस से चीजें आएंगी, जैसे जैसे आप देखोगे मार्केट को, चार्ट को लिखोगे, तो ये चीजें आपको दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी, भैया कब क्या होने वाला है। देखो चार्ट पे सब कुछ दिखता है, बस आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ता है वहाँ पे कि इस जगह के पास जाके बायर खड़ा है, सेलर खड़ा है, बड़े लोग क्या कर रहे हैं। देखो हम तो उनके बहाव के साथ में चलेंगे, जिस दिशा में नदी बह रही है उसी दिशा में बह के थोड़ा पानी हम भी पी लेंगे, बस उसके अपोजिट ज़्यादा दूर तक नहीं तैर पाएंगे, फिर खत्म ही होना है, फिर तो उसके साथ में ही चलो बस। क्या बात है सर, सो आई होप यू हैव लर्नड अ लॉट, फाइनली इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, अगर आपके कुछ सवाल है आप कॉमेंट्स में पूछ सकते हैं। अभी भी ऐसा नहीं है कि ये सीरीज खत्म हो गई है, सो अभी भी वीडियोस आपको मिलना बाकी हैं, आपको और सीखना नहीं सीखना, सो इफ यू वांट टू लर्न मोर सब्सक्राइब दिस चैनल, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए जिससे आने वाली वीडियोस आप मिस ना करें, और जो ये पूरी ऑप्शन बाइंग की प्लेलिस्ट है आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगी, आई बटन पर मिल जाएगी, जाके कंप्लीट देखिए एंड शेयर जरूर कीजिएगा। सो थैंक यू सो वेरी मच सर, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट टाइम यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।